नमस्ते संस्कृत बच्चों, मैं राधे श्याम आर्डी मोदी शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में कक्षा 10 वालों के लिए नैतिक मूल्यानि जो तृतीय पाठ आपका है संस्कृत गद्य भारती का, उसमें हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था और उसमें जो पाठ से संबंधित है सारांश लगभग उसको हमने देखा था। बात चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ तक हमने पढ़ा था दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुन पुस्तकान सब उपलब्ध हैं, यानी जो ये शतक दृष्टांत शतक है, बल्लाल शतक है, नीति शतक है, भरतहरि शतक है आदि प्रमुख पुस्तकें जो हैं संस्कृत साहित्य में मिलती हैं। देखिए अगला देखते हैं। विचार्यमाणे साहित्य आदि काले सर्वेपि राष्ट्रेषु अन्य विश्वास प्रचलित आसीत। विचार्यमाणे साहित्य आदि काले, यह विचार करने से पता चलता है या देखने से पता चला है कि प्राचीन काल से ही जो साहित्य है सभी राष्ट्रों में प्रचलित है, यानी प्रचलित था सभी राष्ट्रों में आसीत मतलब। यत काव्यानेषु प्रयोजनेषु चत्वापि एक मुख्य प्रयोजन नैतिक पारितोष है, यानी कि वैसे तो यत काव्येषु अन्य प्रयोजन से काव्य के अन्य भी प्रयोजन होते हैं, चत्वापि फिर भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष होता है। ठीक, काव्य का एक मुख्य प्रयोजन क्या होता है? नैतिक संतोष। और देखिए प्लेटो अरस्तु पेटर होरेश आदि सर्वे विचार कई हैं काव्य से मुख्य प्रयोजन और नैतिक विकास सीखता है। प्लेटो अरस्तु पेटर होरेश आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास इसको स्वीकार किया है, इस प्रकार से स्वीकार किया है सभी विचारकों ने। प्लेटो हो अरस्तु पेटर होर्सेस आदि जितने भी विचारक हुए सभी ने काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या माना है? नैतिक विकास। देखिए आगे एक बार देख लेते हैं और इसको। विचार माणे साहित्य आदि काले सर्वेशापि राष्ट्रेषु अयम विश्वास प्रचलित आसीत। विचार करने से यह पता चलता है कि साहित्य जो है प्राचीन काल से ही प्रारंभ से ही सभी राष्ट्रों में प्रचलित था, यानी सभी राष्ट्रों का साहित्य में विश्वास प्रचलित था, सभी का विश्वास था। यत काव्याशन्येषु प्रयोजनेषु चत्वारिषु एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः, कह रहे हैं कि काव्य के अन्य प्रयोजन तो हैं ही लेकिन उसका जो मुख्य प्रयोजन है वह क्या होता है? नैतिक संतोष है। इसमें एक मुख्य प्रयोजन जो है नैतिक संतोष है। प्लेटो अरस्तु पेटर होरेश आदि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो अरस्तु पेटर होरेश आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास को स्वीकार किया है। चलिए आगे अब देखते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्ति, जो नैतिक आचरण है वह व्यक्ति का समाज में प्रतिष्ठा अभिवर्धते, व्यक्ति को सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है वह बढ़ाता है। देखिए जो इस लाइन का नैतिक व्यक्ति सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते, जो नैतिक मूल्य हैं जो नैतिक अच्छा आचरण है वह व्यक्ति का सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। मानव कल्याण नैतिक आवश्यकी, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकते व्यक्ति समाज से राष्ट्र से विश्वास विश्व से कल्याणम कुरुते, नैतिकता से ही व्यक्ति का समाज का राष्ट्र का और विश्व का कल्याण हो सकता है या विश्व का कल्याण हम कर सकते हैं। नैतिक आचरण मनुष्य त्याग तप विनय सत्यम न्याय प्रियता एवं मन्ने अपि मानवीय गुणा उपद्यन्ते हैं। नैतिकता के आचरण करने के लिए मनुष्य में त्याग तप विनय सत्य न्याय प्रियता अन्य ऐसे मानवीय गुण हैं जो उत्पन्न होते हैं जो नैतिकता को बढ़ाते हैं। ठीक, नैतिक मनुष्यों अन्य प्राणिभ्य भिन्न जायते, नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है, भिन्न दिखता है। तदा आचरणे व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटम च भवति, उसी के आचरण से यानी नैतिक आचरण के द्वारा ही व्यक्ति समाज में अपने जीवन को अनुशासित करता है और बाधा रहित बनाता है। नैतिक आचरण करने से मनुष्य का जीवन निष्कंटक मतलब बाधा रहित जिसमें कष्ट कोई ना हो ऐसा अपने जीवन को बना सकता है, और अपने जीवन को कैसा बना सकता है? अनुशासित नियम पूर्वक बना सकता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्न अवसर लभ्यते,
व्यक्ति समाजस्य, व्यक्ति और समाज, वर्ग और देश, समुन्य और सरोल, ऐसा अवसर सुअवसर प्राप्त होता रहता है। समाज है ईर्ष्या द्वेष कलहादिभ्य मुक्तो भवति। समाज को ईर्ष्या द्वेष और कलह से मुक्त होना चाहिए। अस्माकं समाज का अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिक आचरण दृढ़ा भवन्ति। अस्माकं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संबंध है, नैतिक आचरण दृढ़ा भवन्ति, उससे नैतिक आचरण मजबूत होता है। अतः नैतिक शब्द है सच्चरित्रवाचक मुख सुख चैनम आधारम अस्ति, सुखमय मानव जीवनम आधारम अस्ति। अतः हम कह सकते हैं कि नैतिक जो शब्द है सच्चरित्र वाचक सच्चे चरित्र का सूचक है और यह हमारे सुखमय जीवन का आधार है। एक बार और देख लेते हैं बच्चों इस पैराग्राफ को हम। नैतिक मूल्य व्यक्ति समाजी प्रतिष्ठा अभिवर्ते, जो नैतिक मूल्य हैं मनुष्य के जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। मानव कल्याण नैतिकता आवश्यक है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकते व्यक्ते समाज से राष्ट्र से विश्व से कल्याणम कुरुते। नैतिकता के द्वारा मनुष्य समाज का और राष्ट्र का और विश्व का कल्याण कर सकता है या करते हैं। नैतिकता आचरण में मनुष्य त्याग तपह विनय सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्य अभिमान में गुणा उत्पद्धनते हैं। नैतिक आचरण के लिए मनुष्य के अंदर त्याग तप विनय सत्य न्यायप्रियता अन्य ऐसे मानवीय गुण विद्यमान हैं। नैतिक मनुष्यों अपि अन्य प्राणियों भिन्न जायते। नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है या अलग दिखता है। तदा आचरणे व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटम च भवति। इसी के आचरण के द्वारा जो मनुष्य है वह अपने जीवन को अनुशासित और बाधा रहित बनाता है, बाधा रहित होता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य चमन असरो लभ्यते। और व्यक्ति समाज वर्ग को तथा देश में उचित अवसर प्राप्त होता है। समाज है ईर्ष्या द्वेष कलहादि दोषो मुक्तो भवति। समाज को ईर्ष्या द्वेष और कलह आदि ऐसे दोषों से मुक्त होना चाहिए। अस्माकं समाज का अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिक आचरण दृढ़ा भवन्ति। हमारा सामाजिक जो संबंध अंतर्राष्ट्रीय जो सामाजिक संबंध है नैतिक आचरण से मजबूत होता है। अतः नैतिक का शब्द सच्चरित्रवाचक है सुखमय जीवनम आधारम अस्ति। अतः नैतिक शब्द जो सच्चरित्रवाचक है उसका अच्छा अर्थ क्या है वह और हमारे सुखमय जीवन का वही क्या है आधार है। ठीक, आगे देख लेते हैं। इदमं तु सम्यकं वक्तुं शक्यते यत् नैतिक आचरणस्य नैतिकाश्च मुख्य उद्देश्य स्व अन्यस्य च कल्याणं भवति। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिक आचरणस्य, कह रहे हैं कि यदि हम सम्यक् वक्तुं सत्य बोलें, शक्यते यत् नैतिक आचरणस्य और नैतिक आचरण करें नियम पूर्वक जो आचरण है। नैतिकायाश्च मुख्य उद्देश्य, नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य है स्व अन्यस्य च कल्याणं भवति, अपना और अन्य सभी दूसरे का कल्याण करना। ठीक, मुख्य उद्देश्य उसका वही है। कदाचित एवं दृश्यते यदि परेशान कल्याणम कुर्वन मनुष्य है स्वीयाम हानि अपकुर्ते। एवं दृश्यते यदि परेशान कल्याणम कुर्वन, हम प्राय देखते हैं या परेशान कल्याणम कुर्वन दूसरे के कल्याण करने के लिए मनुष्य स्वयं हानि कुरुते, मनुष्य अपने की हानि कर लेता है। एवं विधम नैतिक आचरणम विदिष्ट महत्वपूर्ण च मन्यते। यह विधि, यह जो विधि है नैतिक आचरण का महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक, एवं विधम नैतिक आचरण विशिष्ट महत्वपूर्ण च मन्यते। नैतिक आचरण का यह विशिष्ट और महत्वपूर्ण नियम है। परेषां हितम नैतिका प्राणभूतम तुम, दूसरों के हित के लिए प्राणभूत तत्व है। नैतिकता का प्राणभूत क्या है, दूसरों का हित करना। ठीक है, बड़ोदी लेते हैं। इदं तु सम्यकं वक्तुं शक्यते यत् नैतिक आचरणस्य मुख्य उद्देश्यस्य अन्यस्य च कल्याणं भवति। रहे हैं कि इदं तु सत्यम, सत्य वैसे भी सत्य वक्त, सत्य वक्तु यानी सत्य बोलना, शक्यते इति नैतिक आचरणस्य, यही नैतिक आचरण है। नैतिक सत्य बोलना ही नैतिक आचरण है। नैतिक आचरणस्य मुख्य उद्देश्य, नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्व अन्यस्य कल्याणं भवति, यानी यह अपने लिए और दूसरों के लिए भी कल्याणकारक होता है, कल्याणकारी होता है। कदाचित एवं भी दृश्यते, कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यं स्वीयां हानिं कुरुते, मनुष्य दूसरों का कल्याण करने के लिए अपनी हानि कर लेता है। ठीक, एवं विधि नैतिक आचरण विशेष महत्वपूर्ण च मन्यते। नैतिक आचरण का यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
परेषाम हितम नैतिक प्राणभूतम तत्वम, जो दूसरों का हित करना नैतिक आचरण का प्राणभूत तत्व है या प्रमुख तत्व है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 10 मिनट वीडियो है, बड़ा हो जाएगा वीडियो, वन छुटेगी। तो आज यहीं तक, नमः संस्कृताय।